Over the Horizon. अब हम टास्क बार सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम टास्क बार की सेटिंग्स, कुछ फीचर्स हैं, हम उसके बारे में सेटिंग आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले माउस के राइट बटन लाकर टास्क बार के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को हम लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टूल बार्स हैं। टूल बार्स में पहले एड्रेस है। एड्रेस क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे एड्रेस आ गया। अगर इंटरनेट संबंधित कुछ भी सर्च करना है तो हम यहाँ पे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके अगर हम इसके अंतर्गत टाइप करेंगे तो हमारा ओपन होके आ जाएगा। अब इसको हाइड करना है तो फिर यहाँ से चेकबॉक्स हटा दीजिए। इसी तरह हमारे यहाँ से लिंक है। अगर कोई लिंक है आपके पास, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप कोई भी क्रोम के थ्रू जा सकते हैं इंटरनेट पे, कोई भी वेबसाइट देख सकते हैं या कोई भी सर्फिंग कर सकते हैं अपने इंटरनेट के यूज़ के लिए। हम इसको भी यहाँ से हम हाइड कर दे रहे हैं। इसी तरह इसमें और फीचर्स हैं जिनका हम यहाँ पे डेस्कटॉप है मतलब कि ये हमारा एक छोटा सा आइकन के रूप में आ गया कि पूरे डेस्कटॉप को ये कंट्रोल कर सकता है। जिससे मान लीजिए यहाँ पर हम क्लिक किए, देखिए यहाँ पे सारे हमारे फीचर्स मिल गए जो हमारे डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हैं और कुछ हमारे लाइब्रेरी से इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आप जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम या फोल्डर या फाइल ओपन करना चाहते हैं इजीली, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें एक डेस्कटॉप जो है हमारा यहाँ से हाइड कर दिए। अब है हमारा एक लैंग्वेज बार। ये लैंग्वेज बार हमने अपने लैपटॉप में गूगल इनपुट टूल को इंस्टॉल किया है तो ये शो हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर जिस कंप्यूटर में गूगल इनपुट टूल बार नहीं रहेगा तो ये हमारा इंस्टॉल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसमें, ये है हमारा कैस्केड। ये कैस्केड इंडो क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास बहुत तरह के सॉफ्टवेयर ओपन हैं या प्रोग्राम्स ओपन हैं या फोल्डर या फाइल, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक विंडोज़ मीडिया प्लेयर ओपन है, यहाँ पे एक हमारा गूगल क्रोम ओपन है और एक हमारा मान लीजिए ये VLC मीडिया प्लेयर हम ओपन कर दे रहे हैं। अब इन्हीं को मैनेज करने के लिए कैस्केड का हमारा इस्तेमाल किया जाता है। कैस्केड का देखिए, ये कैस्केड विंडोज़ जब करेंगे तो ये तो ऑलरेडी कैस्केड विंडोज़ में है, लेकिन यहाँ पे शो विंडो एक्सट्रैक्ट में करेंगे तो देखिए ये हमारे कुछ फीचर्स हैं जिनको ये पूरा फुल कर दिया है। देखिए हो गया। अब फिर इसको हम कैस्केड विंडो में करेंगे तो देखिए हमारा छोटा ऐसे हो गया। ये विंडोज़ को ये दिया है कि शो विंडोज़ साइड बाय साइड, देखिए साइड बाय साइड हो गया। ये मैनेज करने के लिए है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शो द डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप शो हो गया, पूरा मिनिमाइज हो गया। अब शो ओपन विंडोज़, ये सब विंडोज़ ओपन हो गया। अब उसी तरह हम यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारा स्टार्ट टास्क मैनेजर। ये क्या करता है? देखिए स्टार्ट टास्क मैनेजर हमको ये बताता है कि हमारे कंप्यूटर में कितनी फाइलें या फोल्डर या एप्लीकेशन खुले हैं और चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारा है विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर, यहाँ पे विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर ओपन हुआ है हमारा। यहाँ पे गूगल क्रोम है, ये गूगल क्रोम ओपन हुआ है, ये भी दिखा रहा है। ये स्क्रीन रिकॉर्डर जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये हमको यहाँ से प्रदर्शित मिल रहा है। इससे हम आपको एक और बता रहे हैं बात, इससे आप अपना अनचाहा जो भी प्रोग्राम ओपन हुआ है उसको बंद कर सकते हैं। बंद करने की क्या है, जैसे मान लीजिए हमको विंडोज़ मीडिया प्लेयर बंद करना है तो हम यहाँ पे तीन हमारे पास बटन्स हैं जैसे इंड टॉक्स, स्विच टू और न्यू टॉक्स। यहाँ पे इंड करेंगे इंड टॉक्स पे तो हमारा ये बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा विंडोज़ मीडिया बंद हो गया। नेक्स्ट है हमारा इसी में प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कि इस कंप्यूटर में कितने फाइलें प्रोसेस
हो रही हैं, कितनी फाइलें चल रही हैं इंटरनल। यहाँ से सर्विस के बारे में बताया गया है, दिखाया जा रहा है। यहाँ पे परफॉर्मेंस, जैसे सीपीयू की परफॉर्मेंस कितनी है, कैसी है, और यहाँ पे मेमोरी की, और यहाँ पे नेटवर्किंग की परफॉर्मेंस, और यहाँ पे यूजर, यूजर यानी कि जो कंप्यूटर में हमारा मेन एक यूजर, यूजर वह होता है जो कंप्यूटर को हैंडल करता है। एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है हमारे पास, एक इस सिस्टम में एक ऐसा फीचर्स लाया गया है कि आप अपने हिसाब से एक एक यूज़र क्रिएट करके कंप्यूटर पे हम इसको आसानी से रन करा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो में अच्छी तरह से यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे पासवर्ड लगाते हैं, कैसे एक यूजर से दूसरे यूजर में जाते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।